हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से देखिए, मैं आप लोग के लिए एक और लाया हूँ उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। तो उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करता रहूंगा मैं आप लोग के साथ। नोट्स बनाते आइए। जैसे कि आप पहला देख रहे हैं, आपका क्या लिखा हुआ है, गंगा ग्राम स्वजल योजना। ठीक है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं थोड़ा सा कॉपरेट करें यहाँ पर, क्योंकि सब चीज़ का इंग्लिश कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पे। स्वजल योजना, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि गंगा ग्राम स्वजल योजना कब शुरू हुई। तो भाई आप टिक करके आइएगा 2018 में। एग्जैक्ट डेट बहुत मुश्किल है पूछे, लेकिन डेट भी अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा। इसका अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है, ठीक है, उद्देश्य जो है वो क्या रखा गया है, तो उद्देश्य ये रखा गया कि गंगा तट पर बसे जितने भी आपके गांव हैं, ठीक है, गंगा तट पर बसे जितने भी आपके गांव हैं, यानी कि जो आपके विलेजेस हैं, वहां पे साफ सफाई के लिए कूड़े का निस्तारण किया जाए, और जो गंदगी इन गांवों से निकलती है और सीधे गंगा में जाके मिलती है, वो वहां ना जाके पहले उसको प्योरीफाई, उसको साफ किया जाए, तब जाके उसको गंगा मिलाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको वहीं पर ही ट्रीटमेंट करके रखा जाए। ठीक है, तो वो रखा गया है गंगा ग्राम स्वजल योजना। फिर देखिए, ये बड़ी पॉपुलर हो चुकी है हमारे उत्तराखंड में, होम स्टे योजना। ये पूछ सकते हैं कब शुरू हुई, 2018 में शुरू हुई, और इसमें क्या किया गया है कि जो भी आपके पर्यटन क्षेत्र है, यानी कि टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, और इसमें कोशिश की जा रही है कि पूरे उत्तराखंड में 500 प्लस के अंदर अंदर जो आपके होम स्टे हैं, ठीक है, उनको आपका क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। फिर देखिए, दूसरी स्कीम आपकी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में की गई, ठीक है, रटा मार लीजिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। और कोशिश की जा रही है कि इसमें हमारे यहाँ लगभग लगभग मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाए, कवरअप किया जाए। फिर आंचल अमृत योजना जो है, ये 2019 में शुरू हुई। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, जितने भी हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है, ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ क्या है बच्चों, आंगनवाड़ी, ठीक है, आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, सेंटर्स, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहां पर पढ़ने वाले जो भी आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको 2 दिन हफ्ते में, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन जो है वो 100 100 ml जो है वो क्या दिया जाएगा, दूध जो है 2 बार प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसका जो नाम रखा गया है वो आंचल अमृत योजना रखा गया। फिर देखिए, देश को जानो योजना, ठीक है, जानो योजना, ये 2019 में शुरू की गई। और इसमें क्या किया है कि जो 10th क्लास आपके हैं, उसमें 10th क्लास में जो टॉपर्स हैं, ठीक है, जो भी बच्चे आपके टॉपर्स हैं, उनको पूरे भारत भ्रमण पर, पूरा इंडिया घुमाया जाएगा सरकारी खर्चे पर। फिर देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये 2019 में शुरू की गई, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है कि जो फीमेल आपका या जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको क्या करना, बढ़ावा देना। फिर उसके बाद देखिए, अगला क्या है आपका, उत्तराखंड वैष्णवी योजना 2019 में शुरू की गई। इसमें क्या किया गया है कि जो हर परिवार की बेटी के जन्म के बाद, अगर किसी परिवार में बेटी यानी कि जो डॉटर है वो बॉर्न होती है, तो उसने वैष्णवी किट जो है, ठीक है, वैष्णवी किट जो है, किस नाम से, वैष्णवी, वैष्णवी किट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके बाद माँ बाप के साथ सेल्फी फोटो भेजने पर सब परिवार को संदेश बधाई भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, पल्सेज, यानी कि ये 2019 में शुरू हुई है आपकी दाल पोषित योजना 2019 में। और इसमें जो भी आपके क्या है, राशन कार्ड धारक है, राशन कार्ड धारक, ठीक है, इनके पास राशन कार्ड है, उनको जो है 2 किलोग्राम दाल 44 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी, 44 रुपीज पर केजी के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर उत्तराखंड रूफ टॉप सोलर परियोजना, आप अपने छतों पे रूफ टॉप लगा सकते हैं, अभी तो दो सेकेंड फेज की शुरू हो गई है, ये 2020 में शुरू हुई थी, रूफ टॉप वन इससे पहले शुरू हो चुकी थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है, ये 2020 में आपकी देखिए शुरू हुई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्या करना, आपका प्रमोट करना है। फिर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है ना, ये देखिए 2020 में आपकी शुरू हुई,
इसमें आप 25-25 किलो वॉट के जो है वो सोलर पैनल जो है वो अपने जगह लेकर लगा सकते हैं। फिर देखिए एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, ये 2020 में शुरू हुई। इसमें जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, यानी कि जो कृषि है उसको बढ़ावा देना, इसका ये मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव रखा गया है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये मैं पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका था कि जो कोविड में अनाथ बच्चे हुए हैं उनको सरकार जो है वो फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ उनकी पढ़ाई का ध्यान रखेगी। फिर देखिए 1 रुपये में पानी कनेक्शन योजना 2020 में शुरू की गई, जिसमें मात्र जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं अगर आप वहाँ रहते हैं तो 1 रुपये अप्लाई करके पानी के कनेक्शन ले सकते हैं। फिर महालक्ष्मी किट योजना, ये भाई आपके क्या घर में अगर बेटी का जन्म होता है तो ये किट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। घसियारी कल्याणी योजना 2021 में शुरू हुई, इसमें बकायदा साइलेज की जो घास है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, पता नहीं कितनी प्रोवाइड कराई है कि नहीं प्रोवाइड करी गई है। और उसके बाद सबसे आखिरी के एक और देख लेते हैं बस, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2021 में शुरू हुई। इसमें जो है जितने भी आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट जो आपकी लेडीज हैं, उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को क्या दिया जाएगा, इस योजना का लाभ मिलेगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो ये कुछ था आपका बच्चों आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।